थ्री इडियट, करीब, बैंग बैंग, सनम रे, बुलबुल जैसी हिट फिल्मों में किरदार निभा चुके हिमाचली कलाकार दयाल प्रसाद का नाता हमीरपुर जिला से है। दयाल प्रसाद पिछले कई सालों से थिएटर से जुड़े हैं और आगामी दिनों में दयाल प्रसाद की मराठी फिल्म पुष्कर विमान में अहम रोल में दिखेंगे। दयाल प्रसाद मराठी फिल्म में मशहूर कलाकार सुबोध भावे के साथ काम करते हुए नजर आएंगे, जो कि लगभग 25 हिट फिल्में दे चुके हैं। साथ ही दयाल प्रसाद मराठी फिल्म में भी हिमाचली बोली में बात करते हुए नजर आएंगे, तो हिमाचली वेशभूषा के साथ हिमाचली टोपी के साथ फिल्म में नजर आएंगे। हालांकि फिल्म अभी जुलाई माह में रिलीज होगी, लेकिन दयाल प्रसाद फिल्म की रिलीज को लेकर काफी उत्सुक हैं। हमीरपुर में बातचीत के दौरान दयाल प्रसाद ने बताया कि मराठी इंडस्ट्री में वैभव चिनकर जैसे बड़े कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला है, जो कि गौरव की बात है, और मराठी फिल्म के अंदर हिमाचली भाषा को भी दर्शाना इससे भी बड़ी बात है। इनका कहना है कि करीब 15 मिनट के रोल में हिमाचल अंदाज में काम किया गया है। दयाल प्रसाद ने बताया कि फिल्म में चौल के अंदर की शूटिंग में हिमाचली रोल किया गया है, जो कि लोगों को काफी पसंद आएगा। प्रसाद ने कहा कि हिमाचल में भी कलाकारों की कमी नहीं है, लेकिन अभी हिमाचली सिनेमा को बढ़ावा नहीं मिल रहा है, जिस कारण प्रतिभाएं उभर नहीं पा रही हैं। मैं अभी मराठी फिल्म करके लौटा हूँ। फिल्म का नाम है पुष्पक विमान, जो कि पूर्णतः मराठी फिल्म है, और इसके जो प्रोड्यूसर है और जो मेन हीरो सुबोध भावे हैं, और जो फिल्म के डायरेक्टर हैं ही इज मिस्टर वैभव चिंचलकर, और फिल्म लिखी है चेतन सिंडान ने, और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं रत्नकांत जगताप। फिल्म की पृष्ठभूमि जो है थोड़ा भक्ति रस लिए हुए है, और थोड़ा सा मैं अपने किरदार के बारे में बताना चाहूँगा कि मराठी फिल्म में इक्वलेंट टू हिंदी सिनेमा, और इस फिल्म में जुड़ना एक बहुत सौभाग्य की बात है, और इस फिल्म में मैं एक हिमाचली स्टाइल में ही सारा का सारा मेरा करैक्टर है, और बड़े गर्व की बात है हम सब के लिए कि मैं जितना भी मेरा करैक्टर है वो मैं अपने जो हिमाचल की शान है हिमाचली टोपी के साथ ही मेरे पूरे थ्रू आउट फिल्म में दिखाई देता हूँ। और आने वाले टाइम में बहुत जल्दी फिल्म मेरे ख्याल से जुलाई के लास्ट तक रिलीज हो जानी चाहिए, और बाकी तो आप लोग जब फिल्म देखेंगे तो आप लोगों को खुद पता लगेगा। और बहुत अच्छा लगा मुंबई जाकर, और इंशाल्लाह जो ये फिल्म है मुझे लगता है कि आप लोग बहुत पसंद करेंगे, बहुत ज्यादा अच्छी फिल्म बनी है। थिएटर में तो देखिए काफी अच्छा चल रहा है, जैसे मंडी, कुल्लू, शिमला वगैरह चल रहा है। हाँ, लेकिन एक बात जरूरी मैं जरूर करना चाहूंगा, आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि ये जब मैं फिल्म करके आया हूँ पुष्पक विमान, इसमें जो मेरा किरदार है वो जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पहाड़ी अंदाज में है, तो फिल्म के रिलीज के बाद कहीं ना कहीं पहाड़ी अंदाज का एक जो नया स्टाइल डेवलप होने की पूरी पूरी संभावना है, और मैं पूरे गर्व के साथ कह सकता हूँ कि शायद एक नया रास्ता हम हिमाचलियों के लिए खुलने वाला है, एक बड़ा बड़ा जो बंद दरवाजा था वो खुलने वाला है।